हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, कई दिन से एक न्यूज़ आ रहा है कि यूएई में कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड कई सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि यूएई की कौन सी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, हमारी फ्लाइट इतने तारीख को है, क्या वो कैंसिल होगी। तो आज इस वीडियो में उसी बारे में मैं क्लियर करूंगी। आपको वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं, आपकी फ्लाइट क्या कैंसिल हो सकती है या नहीं। तो देखिए, यूएई से जो फ्लाइट कैंसिल हुई है वो अबू धाबी की जो एयरलाइंस है एतिहाद एयरवेज, उसने कई जगह से फ्लाइट अपनी कैंसिल की है, जैसे कि मदीना की। जो अबू धाबी से मदीना जाती है फ्लाइट, वो 28 मार्च तक के अभी फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है। ऐसे यूएस की कुछ सिटीज में भी फ्लाइट कैंसिल की है सिर्फ एतिहाद एयरवेज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी अबू धाबी आ रहे हैं और अबू धाबी से आपको अगर एतिहाद एयरवेज में मदीना जाना था तो फिर आपको फ्लाइट कैंसिल मिलेगी। बट अगर आपको यूएई तक ही आना है तो फ्लाइट कोई सी भी कैंसिल नहीं है। ये एतिहाद एयरवेज जो है वो दो तीन जगह की फ्लाइट अपने कैंसिल की है, स्पेशली मदीना की फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, यानी कि सस्पेंड हुई है 28 मार्च तक। 28 मार्च तक की एतिहाद एयरवेज जो अबू धाबी से मदीना जाती है वो अभी नहीं चलेगी 28 मार्च तक की। बाकी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सबसे जो फ्लाइटें अभी आ रही हैं उसकी भी जैसे न्यूज़ आई कि इंटरनेशनल फ्लाइट जो है बैन हो गई है 28 फरवरी तक। तो 28 फरवरी तक जो फ्लाइटें बैन हुई है वो रेगुलर फ्लाइट्स जो हैं मार्च 2020 से जो बंद है वही फ्लाइटें अभी एक्सटेंड होके बैन हो गई है 28 फरवरी तक। बाकी जो एयर बबल एग्रीमेंट से जो फ्लाइट चल रही है, इंडिया और यूएई के बीच में एयर बबल एग्रीमेंट है, अभी भी वो वैलिड है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो भी फ्लाइटें चल रही थी वो अभी भी चल रही हैं, कोई भी फ्लाइटें बंद नहीं होगी। ऐसे ही बांग्लादेश से भी फ्लाइटें आ रही हैं, पाकिस्तान से भी फ्लाइटें आ रही हैं, नेपाल से भी फ्लाइटें आ रही हैं, क्योंकि इन सब कंट्रीज से यूएई की एयर बबल एग्रीमेंट है तो वो फ्लाइटें नॉर्मल रहेंगी, कोई भी फ्लाइटें बंद नहीं होगी। जो सस्पेंड हुई है वो मदीना की फ्लाइट हुई है। तो मदीना अगर आपने जाना था अबू धाबी से एतिहाद एयरवेज में तो फिर आप एक बार चेक कर लीजिए, वो फ्लाइटें सस्पेंड हो गई है 28 मार्च तक के। तो गाइज, ये छोटा सा अपडेट आप सबके लिए था। आप लोग जैसे अगर फरवरी मार्च में आ रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो फ्लाइटें कैंसिल नहीं होगी। वो एयर बबल एग्रीमेंट की फ्लाइट है जिसमें आप बुक किए हैं अभी, तो वो फ्लाइटें आएंगी, आप टेंशन मत लीजिए। जो फ्लाइट कैंसिल हुई है वो मैंने बता दी है आपको। तो गाइज, आई होप ये अपडेट आपको हेल्प हुआ होगा। और भी कोई क्वेश्चन हो ट्रैवल से या यूएई वीजा से रिलेटेड, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।